घोड़ा गड्डी च पा लो ते जी इत्थे दे क्या ज़िले वाइज ते चलो दूर ने तां बाजियां ते नहीं मैं कह सकदा ज़िले वाइज ते क्या शाह सवार आपस च मिल के ते ऐसा कानून नाफिज नहीं अपने आप ते कर सकते कि यार ज़िले वाइज ते घोड़े पैदल खड़ो उहदे नाल इह होवेगा कि घोड़ियां दे विच भी बेहतरी आवेगी बीमारियां विच भी कमी आवेगी और फिटनेस सवारां दी भी बरकरार रहे फिटनेस जी सवार की है जी ता ही बनती है ना घोड़े के नाल अगर वो सफर होते तो घोड़े के उत्ते सवारी कर करे तो फिर उन्हें समझ आती जी गल तुम करते हो जान दी भी सवार सारे मिल के कोई शावत कर जी जिला वाइज से यानी कि पैदल घोड़े खड़ी हो गए वो मैं तुम बड़ी अच्छी जी मौका जरा हूँ जो दौर है ना ये गल सुना जी ऐसे साल ही गढ़ी मेला लगे जी असी घोड़े लाए ने दा कितना मैं हादसे नप के पे घोड़ा लिया होना है ग्राउंड जी एक बरफदार है उनकी बड़ी मेहरबानी है शफकत है उन्हें मैनू ना वैसे फखर जी या उन्हें मेरे तजीम के तौर पर मैं क्या भाई दा गया मैं कहता जी दो दो भाई मैं घोड़ा दे मैं मैं क्या नहीं यार अह नहीं मैं दो मैं घोड़ा पढ़ाया वो बाद मैं कोई 10 मिनट 15 के बाद ना नज़र मारी घोड़े मैं आख्या वेखा तो वो बच्चा आइए ही उस तरह नप के खड़ा से हालांकि बजाते खुद नेतापाजी करता है और एक दो जलसा भी नहीं जितने तो मैं फिर आवाज मारी मैं आख्या भी घोड़ा बन सा नंबर अच्छा चाचू बन सा जी फिर मैं 2-4 मिनट बाद वेख्या तो उस तरह ही उन्हें नपे है मैं उठ के पैदा गया जाके मैं आख्या भी घोड़े मैं इतने आते बच्चे टाइम बाद में साड़ा तैयारी शैरी कर दें जी मैं बड़ी धीमी जी आवाज ना कहता चाचू मैं बनना नहीं है जी जो भी ये पोजिशन है मतलब नवे सवार की जी भी उन्होंने घोड़ा बनना नहीं आता छड़ा नहीं जलसे उन्हें 2-3 पहले जीत ले जी तो उन्होंने किस तरह एक आंद जाएगा उन्होंने भी तुम चलो जी चल के घोड़े उत्ते बह के सवारी करो तो जाओ अल्लाह तला ने सब सहूलत दिखाई ने पैसा दिते हैं लोगों ने नौकर रखे ने इस गलते भी खोल भी देंगे ने बन भी देंगे जी उत्ते जाने जाके रेत घोड़ा भजाया डिंगा सिद्धा जिकन ला व्याया खिलिया लाया खिला मारिया चार नंबर हो गए जज साहब जज साहबान की रिक्वेस्ट है मेहरबानी कर यो जी चीज़ का ध्यान कर जी जज बैठे हो फिर सा नेतापति जी मियार बन सकता जी भाई सहेल अकमल जोड़ा साहब साढ़े ना मौजूद ने बड़े अच्छे शाह सवार ने भाई सहेल देसी ब्रीड न शाह सवार पसंद करते हैं ज़्यादातर लेकिन देसी ब्रीड दियाँ जड़िया निशानियाँ होंगे ने वो बहुत घट बंदा मालूमात है कि उन्होंने किड़िया चीज़ा होने तो वह देसी ब्रीड किया जाता उन्होंने और घोड़ा देसी आता निशानियों के जाएल गल कि कई किस्म जोड़ा साडा असर पंजाब का साढ़े पंजाब का जोड़ा देसी घोड़ा वो कान से ठीक जड़े वे साढ़े नाल सिंधड़िया घोड़िया सांगड़ी का क्रास होया घोड़ा देसी घोड़िया फिर वो कनौती उन्होंने आ गई कनौती की वजह तो करके हूँ बंदा जोड़ा भी वेखता है आम रूटीन से पता है कि जिदे कना के उत्ते कनौतियां ने कन नाल लगते ने वो देसी है जिदे कन सीधे ने वो जी मिक्स कह देंगे बबलैक जाने लेकिन साढ़े पंजाब का असल घोड़े का जोड़ा कन सिद्ध है सादा है कनौती नहीं जी लेकिन कन का बरीक होना जरूरी है छोटा होना जरूरी जी जे संघड़ी घोड़िया के कन ने उन्होंने उत्ते कनौती है लेकिन कन लम्मे ने जी इन इसे तरीके ज्यों ज्यों मिक्स होंगे गए हैं क्रास हो के जानवर पैदा होंगे गए हैं तो इस तरीके वैसे की वजह है कि हालांकि दसते ने कि बलैती घोड़े जड़े ने उन्होंने बड़ी एक अच्छी स्पीड होंगी है फिर उन्होंने दौड़ना भी बड़े तरीके सीधिया होंगे तो ये देसी घोड़े क्यों पसंद की हालांकि उन्होंने दौड़ भी थोड़ी है स्पीड भी उस तरह बलैती हड़नी बना एक ही वजह है बलैती घोड़ा जरा ना जी वो भाज तो तेज़ है जी एक तो भारा होंगे भारे तो मराद भजाई देना कंड के उत्ते बंदा जो सवार बैठे होंगे ना उच के लगते रहते वाइब्रेशन देता है जैम्प लगते जैम वाइब्रेशन तो ये हल्की वो चंगे पर जैम्प लगते जैम्प लगता दूसरा मतलब तो बलैती घोड़े जोड़े ना मूँह के सख्त जी देसी घोड़ा जोड़ा भी एक तो दिमाग भी ज्यादा बलैती ठीक जल्दी गल समझता ठीक दूसरा मतलब जो भजदा होंगे पे तो अक्सरीयत गर्दन झुक के भजदा जोड़े घोड़े
नस्ल वाइज ठीक ज्यों ही सवार के अगे गर्दन घोड़े रखी होंगी इन्होंने सवार दलेरी होंगी इस तरह होंगे कि मन अगू टेक दी है किसी घोड़े। तीसरी चीज़ है कि इन्हों की कंध उत्ते पानी का प्याला अर्चना अपलो तो भाई हुए घोड़ा जी ढक्कन तो पहला तो ही बिल्कुल मतलब पानी का प्याले छिट भी बार नहीं जी इन्ना एक कंध का घोड़ा भरी है और नेजाबादी वास्ते कंध का घोड़ा होना घोड़ा जोड़ा जरूरी जरूरी किला मार नेजाबाजी के सैक्शन भी है सिंगल भी है रवायती गेम तो कहा जाता कि सिंगल होंगी सी फिर कोई सवार ने मिल के मुशावरत नाल इनू सैक्शन लिया तो अज असी वो अठा की भी सैक्शन बना के दौड़ा रहे हैं फिर उन्होंने लैन कतार भी ये किस तरह ये गेम क्या ये पहले गेम का हिस्सा सी नेजाबाजी का या पहला शाह जी सिर्फ जोड़ा ना सिंगल ही नेजाबाजी से जी नेजाबाजी जी वो तो जो टाइम बच जाता सी ना तो उस कहते जी कि हम चलो सैक्शन बजा लें टाइम उस सैक्शन शुरू हो गई फिर जोड़ा वे कई बार ये हो चलो जी अठा अठा की सैक्शन बजा लें टाइम की वाफर होने वास्ते जी हूँ इस दौर के जोड़ा वे वो घोड़े ज्यादा ने टाइम थोड़ा जी तो इस सूरत में वेखद होगा ने सिंगल नेजाबाजी से टाइम ज्यादा लगता है जी घोड़े बड़े ज्यादा होंगे तो सैक्शन जी प्रायोरिटी दे रहे हैं इस जी।